तिवारीपुर पुलिस ने शुक्रवार को हत्या के प्रयास के आरोप में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि तिवारीपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित 4 अभियुक्तों को सूरजकुंड पोखरे के पास से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान आदित्य सिंह पुत्र शैलेंद्र सिंह निवासी कुरस थाना देवगंज जनपद आजमगढ़, वर्तमान पता विवेकपुरम कॉलोनी तारामंडल थाना रामगढ़ताल, राजेश तिवारी पुत्र गोरखनाथ तिवारी निवासी बेतिहाता पेट्रोल पंप के पास थाना कैंट, शिवम पुत्र राजेश कुमार निवासी बुद्ध विहार कॉलोनी तारामंडल थाना रामगढ़ताल और अरजीत उर्फ आकाश सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी रामनगर थाना गोरखनाथ के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल तथा एक जिंदा कारतूस को बरामद किया है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उन लोगों ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी तिवारीपुर के रहने वाले राहुल सिंह के पोल्ट्री फार्म पर पार्टी के दौरान हुए झगड़े के बाद आक्रोश से हम लोगों ने राहुल के घर पर आकर रात्रि में फायर किए थे तथा जल्दीबाजी में भागते हुए नाले के किनारे पिस्टल छिपाकर भाग गए। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर थाने में पहले से ही मुकदमा पंजीकृत है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक गुरु प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार, विकास सिंह, कांस्टेबल अजहर खां, अभिषेक यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, दिनांक 30/5 को रात्रि में ये 4 अभियुक्तों ने फायरिंग की थी तिवारीपुर क्षेत्र में। सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए थे मुखबिर की सूचना पे। आज 4/6/2021 को 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, आदित्य राजेश तिवारी, शिवम अग्रहरी और अरजीत उर्फ आकाश सिंह। इन सब के पास से एक अदद 32 बोर का पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसमें राजेश तिवारी और अरजीत सिंह में पहले मुकदमे हैं। आगे इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।